मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरस और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरस, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स का ऑफिस बेरस और जो लीडर्स तेलंगाना से आए हुआ और आप सभी को मैं हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। केवल 5-6 दिन है, ये 5-6 दिन में आप सभी एक इम्पॉर्टेंट टास्क पर ध्यान देना पड़ेगा। ये है कांग्रेस पार्टी का 5 गारंटीज का गारंटी कार्ड्स आप सभी को हैंड ओवर करेंगे। हर एक घर तक ये गारंटी कार्ड हम पहुंचना, हैंड ओवर करना। ये गारंटी कार्ड्स पॉम्फलेट तरह मत डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारा वो आपका वर्कर्स वो गारंटी कार्ड हर एक घर तक लेके जाके पूरा समझना क्या है ये 5 गारंटीज। वो 5 गारंटीज के बारे में कांग्रेस पार्टी का प्रतिबद्धता क्या है, इसी बारे में बात करके हर एक घर वालों का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाना। ये 5 गारंटीज में महिला के लिए आप सिर्फ हर एक महिला को टच करके ये गारंटीज के बारे में बात करें तो दूसरा काम नहीं करना। हम जरूर बहुत मेजॉरिटी से जीत सकते, क्योंकि आज जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अनाउंस किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक महीना 3,000 हर एक महिला अकाउंट में जाएगा। ये राहुल गांधी जी उनको भरोसा दे रहे हैं, ये सभी गारंटीज के बारे में राहुल गांधी जी का भरोसा है। मैं खुद देखा जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट था, मैं उनके ऑफिस को हेड रूपे काम करा। उसी टाइम में राजस्थान कांग्रेस पार्टी पावर में आ गया। राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को हर रोज फोन कर रहे, क्या हमारा गारंटीज आप कब अमल करने के लिए कदम रखे। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटीज अनाउंस किया, पावर में आ गया, राहुल गांधी जी इंश्योर किया वो पूरा गारंटीज अमल होने के लिए। वैसा कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी महाविकास आघाड़ी पावर में आने के बाद 100% ये 5 गारंटीज राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी भरोसा दे रहे वो अमल करने के लिए। हर एक महिला को 3,000 उनका अकाउंट में जाएगा और हर एक महीने अरे साल में 6 सिलेंडर्स उनको 500 रुपीस को मिलेगा। फ्री बस राइड, आप देखिए तेलंगाना में महिला कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस, उनका जीवन में इतना जोश आ गया। हर एक बस में ज्यादा महिला आप देख सकते हैं तेलंगाना और कर्नाटक में। और इससे अलावा हर एक महिला 18 ईयर्स 18 साल क्रॉस करने के बाद उनका अकाउंट में 1,00,000 रुपीस, ये भी हमारा कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र मैनिफेस्टो में अनाउंस किया।
ये सभी बात आप महिला को फोकस करके करिए। और अभी हमारा श्रीहरि जी ने एमएलए साहब ने आपको कहा ये कर्जा माफ के लिए तेलंगाना में मक्तल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 271 271 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर्जा माफ हुआ। पूरा तेलंगाना में अभी तक 20,000 करोड़ रुपीस कर्जा माफ हुआ और नेक्स्ट वन मंथ में और 10,000 भी कर्जा माफ होगा। 30,000 करोड़ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी कर्जा माफ के लिए अलग रखा, उसमें ऑलरेडी 20,000 करोड़ कर्जा माफ किया। इधर भी 3,00,000 करोड़ कर्जा माफ करेंगे। ये आप हमारा फार्मर्स को बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा किसान उनको विश्वास नहीं आएगा वो इतना पैसा कैसा गवर्नमेंट कर्जा माफ करेंगे। आप बोलना पड़ेगा हमारा तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में अभी तक 20,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च किया, ये बात आप बोलना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गारंटी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट पे आने के बाद जाति जनगणना के लिए गारंटी लिखित रूप में दिया गया। जाति जनगणना, ये जाति जनगणना के बारे में आप सभी को मालूम होना पड़ेगा। ये देश में पहली बार राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाया क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में ये बात कर रहे, ये देश का वेल्थ, ये देश का इनकम, ये देश में जो अपॉर्चुनिटीज आई, ये देश का पूरा संपत्ति केवल केवल अपर कास्ट का हाथ में आई। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज 90% मगर उनका शेयर बहुत कम है। उनका कारण यह है ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था से ये असमानता हमारा देश में बहुत ज्यादा है। पूरा विश्व में हमारा भारत हमारा हिंदुस्तान में असमानता ज्यादा है। ये एक एक बीमारी है, ये बीमारी पहचानने के लिए एक्सरे करना पड़ेगा। वो जाति जनगणना एक एक्सरे है, एक्सरे के बाद केवल एक्सरे से बीमार नहीं जाएगा, एक्सरे के बाद मेडिसिन चाहिए। राहुल गांधी जी वो मेडिसिन के बारे में भी बात किया जब तेलंगाना में 9 नवंबर तेलंगाना गवर्नमेंट जाति जनगणना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने उसी दिन एक ट्वीट किया, ये ट्वीट ने राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी तेलंगाना में हम आज जाति जनगणना शुरू किया, कल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगा, महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना करेंगे और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाएंगे। ये वादा राहुल गांधी जी ने उसी दिन वो ट्वीट में किया। आपका गारंटी में भी ये वादा है, 5 गारंटी में 5th आइटम ये जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के लिए। ये सभी बात हमारा कम्युनिटी में पर्टिकुलरली एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में हम बताना पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस पार्टी कर सके, केवल कांग्रेस पार्टी को ये मुद्दे पर प्रतिबद्धता है। आप देखा हुआ
राहुल गांधी जी हर एक भाषण में संविधान को हाथ में लेके बात कर रहे। जब राहुल गांधी जी संविधान हाथ में लेके बात करते तब बीजेपी का घबरा होता है, बीजेपी दे गेट वरीड। क्यों? राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट रूप से पूरा देश में ये बात हर एक आदमी का माइंड में बताया, भारत बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को पूरा आक्रमण किया। इस संविधान आक्रमण से जो हक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को संविधान से मिलता है वो हक हमसे खींचेगा, इसलिए संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी एक मिशन चला रहे। और जाति जनगणना ये भी राहुल गांधी जी का बहुत बहुत बढ़िया डिमांड है। ये दोनों मुद्दे पर हमारा कम्युनिटीज में आप सभी बात करना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को संविधान बचाने में उनका फ्यूचर होगा, उनका चिल्ड्रन को फ्यूचर होगा। और आपका महाराष्ट्र में बेरोजगार दूर करने में और समानता लाने में केवल कांग्रेस पार्टी को एक पॉसिबिलिटी है। आप सभी देखा हुआ लास्ट फ्यू इयर्स में जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आना पड़ेगा सभी इंडस्ट्रीज गुजरात जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र यूथ बेरोजगार हुआ, महाराष्ट्र डेवलपमेंट बैकवर्ड हुआ। ये डायरेक्शन को हम सभी चेंज करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी को गवर्नमेंट ने लाना, आपका कैंडिडेट, मैं बहुत लोगों से ये सुना, ये बहुत बहुत सिंपल आदमी है, लोगों का दर्द जानने में कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वो बहुत कमिटेड आदमी है। ऐसा आदमी को आप एमएलए चुनना, क्योंकि आपका एरिया का डेवलपमेंट पर वो दृष्टि करेंगे। और बीजेपी का एमएलए को ऐसा फोकस नहीं होगा, बीजेपी एमएलए केवल दो तीन उद्योगपति को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, कांग्रेस एमएलए हर एक फैमिली के लिए काम करेंगे। हमारा कैंडिडेट को कांग्रेस आपको अच्छी वोट लाके बहुत अच्छा मेजोरिटी से जीत हासिल करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।